વિડીયોનું નામ છે જલ્દી નેમ બોલો નેમ ક્યુંકિ મેમરી ફૂલ નેમ છે જરાક એમ તો આ વિડીયોનું નામ નેમ છે આઈ સ્લોલી સ્લોલી સેટલ ડાઉન માય કેરેક્ટર્સ એક્ઝામ્પલ મેમ પિક્સી ની સ્ટાર स्टार माय बेटी स्टार माय बेटी और माय वाइफ पिक्सी और मैं करण जी हस्बैंड और विलन तो विलन छे तो मा खंजर भी एम पारेलो नम और मम्मी नु पारेलो है नम और पप्पा नु और બેટીનું બેટી માન એટલે ઇમોજીને વાત કરવી થશે. ઓકે જરાક વાર સ્ટોપ કર. ઓ એક નોટો મેં ભૂલી ગયો નામ કેન્ડેસ કની જોડે. ઓકે પહેલો કેરેક્ટર મને લાગ્યું કોઈ આવતું નામ છે અંદર તો પહેલો કેરેક્ટર સ્ટાર જલ્દી પકડી લેમ પણ તો બી જવાન ને એમ લાગે છે. ઓલ ઇઝ વેલ. મમ્મી મમ્મી યે દીદી મુજે બહોત પરેશાન કર રહી હૈ. દીદી કેન્ડિસ નહીં યે જુઠી બોલ રહી હૈ. મેને કુછ નહીં કિયા હૈ ઇસકે સાથ. ઇસને ખુદ કે કિરણો ને તોડે. જરા કટકીને બોલ્ટર નેમ છે પણ કેરેક્ટરને પકડાટું નેમ છે જલ્દી નેમ પણ કોસ્ટ્યુમ હાટે નેમ જલ્દી નેમ પકડાનું જરાક વાર નેમ લાગે નેમ. ડેડ બેટા દોનો મેં સે કોણ ઝૂઠ બોલ રહે બોલો. સચ સચ બોલો કોણ ઝૂઠ બોલ રહે. વરના તુમ્હારી મમ્મી સે ડાંટ લગાઉંગા મેં દોનો કો. તુમે સે જો ભી હોગા ઉન उसको तो डांट मिल जाएगी और जिसको डांट नहीं लगनी चाहिए वो उसको भी मिल जाएगी. आपने मेरे बारे में कुछ कहा और ये दोनों झगड़ रही थी. डैड ये दोनों झगड़ रही थी किसने मेरा खिलौना तोड़ा. बस इतनी सी बात. पिक्सी सॉरी एक्सक्यूज मी ગેસ નેમ છોડી દે. મમ્મીની કેરેક્ટરમાં ગેસ નેમ છોડવાનું. મુજે પતા હૈ તુમ દોનો મેં સે કિસને કિયા હૈ. સચ સચ બોલ દો. સચ સચ બોલ દો કિસને કિયા હૈ. વરના મેં દોનો કો ડાંટ લગાઉંગી. જિસને ભી કિયા હોગા ઉસકો તો ડાંટ લગ જાયેગી. જો જિસને નહીં કિયા હોગા ઉસકો. स्टार सॉरी मम्मी मुझसे टूट गया था. मैं डर गई थी इसलिए मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही थी मैं. स्टॉप करी ने डर्ड कैरेक्टर ने पकड़ नम छे. हाँ वच वच में स्टॉप ने हम कराने पड़े हैं. कैरेक्टर ने पकड़ा है जो नम पर डर्ड पकड़ा तो नम छे. देखा दीदी कैंडिस दीदी देखा मैंने कहा था ना तुम ही थी करने वाली. सॉरी दीदी सॉरी मम्मी पापा मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगी. सच सच बोलूँगी. मम्मी पिक्सी ये हुई ना मेरी बेटी की वाली बात. कितनी समझदार हो गई है कितनी बड़ी हो गई है. स्टार मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ अभी तो. मैं पढ़ाई मेरी बाकी है और स्कूल जाना बाकी है मेरा. अभी तक कोई जॉब भी नहीं लगी है. डैड इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा. जॉब के बारे में फ्यूचर के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. बस तुम अच्छे से पढ़ाई करो पढ़ लिख के बड़ी हो जाओ
बस इतने काफ़ी है मेरे लिए, और अच्छे से परिवार करो, बाकी का हम देख लेंगे, नाच गाना डीजे पार्टी वो हम सब देख लेंगे। स्टार, सच में डैडी अब मेरी शादी में डीजे पार्टी करोगे? डैड, हाँ बेटा ज़रूर करेंगे, पर तुम पहले बराबर पढ़ाई कर लो, जाओ अपने रूम में जाओ पढ़ाई करो। ठीक है डैडी, मैं जाती हूँ। ओके गे कैंडिस, पर डैडी उसने उसका खिलौना तोड़ा था और मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था। पर डैडी उसने खिलौना तोड़ा था और उसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था। डैड, सही बात है बेटा, पर वो अभी छोटी है ऐसा। अरे यार, मरी लेनी ने बेन नेम की कर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, गुड बाय, डर जो बन कर लाइक, और सही टाइम पर ने मटकी ले लो मट के ला हूँ, 5 ने 6 11 पर स्टॉप नेम कर लाख लेने में, इस बार भी सही नंबर पर ने मट का डीलर मट 6 2 6 कहीं। ओके कैरेक्टर नंबर हूँ कैरेक्टर नंबर डैड, हाँ वो अभी छोटी है, वो ऐसा करेगी ना, वो इतनी 9 ईयर्स ओल्ड है और तुम 18+ हो चुकी हो, वो तुमसे छोटी है इसलिए ऐसा करेगी ना, जाओ तुम भी होमवर्क कर लो, सॉरी तुम भी होमवर्क कर लो, और तुम दोनों को कल स्कूल जाना भी है। ठीक है डैडी, मैं जाती हूँ अपने रूम में, तो बंडो एक रूम माने में रिटर्न है, पर मोटी बेन ने बोलू हूँ कि ऊँचाई थी ने डर लागत ने मुई तो टे नीचे जम होटी ने मुई चड्डर टानी नम नीचे नम हुई जाती हूँ, दिलचक मुझे नहीं कहीं नहीं कम याद आई रूम चड्डर चांद के सो जाओ टे कहीं नहीं हूँ। डैड, हाय हाय इन दोनों का क्या करो, दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसे दोनों सिस्टर में, दोनों बहनों में प्यार कैसे होगा, दोनों एक दूसरे को पसंद इतने करते, स्टार कभी कैंडिस के लिए लड़ती है और कैंडिस कभी स्टार के लिए लड़ती है, क्या करूँ मैं परेशान हूँ, क्या कहती हूँ स्टार की मम्मी। हाँ जी हाँ, आप सही कह रहे हो, पर वो दोनों भी छोटे हैं, वो अभी दोनों छोटे हैं, वो स्टार तो 9 ईयर्स ओल्ड की है और वो हमारी कैंडिस बेटी तो अभी 18+ हुई है। डैड, तो उसमें क्या हुआ, वो बड़ी तो है ना 9 ईयर्स ओल्ड, छोटी हुई 9 ईयर्स ओल्ड छोटी हुई फिर भी बड़ी तो है ना वो, और कैंडिस तो उससे भी बड़ी है, नया 18 की हो चुकी है अब तो। आप भी कैसी बात करने लगे डैड, पिक्सी मॉम आप भी क्या बात करने लग गए, जाओ आप भी अपना होमवर्क कर लो, ऑफिस का काम कर लो, और सबके लिए मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माता जी, मॉम मतलब डैड,
ठीक है माता जी, मैं अपना ऑफिस का काम कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा खाने बनाना, आज तो लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं। 20 20 तक बैटरी न बदलाई रही हूँ। आज तो बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। आज तीनों का खाना बना सकती हो अलग अलग, तो बना देना। मेरा तो फेवरेट बटाका है, और हम तीनों का फेवरेट बटाका है, बटाका बना देना, या उससे भी बेटर मैगी बना देना, हम तीनों मैगी खा लेंगे। नहीं सॉरी मैं भूल गया था, हम चारों चारों मैगी खा लेंगे। पिक्सी मम्मी, हाँ, तुम लोगों को हुक्म देना तो आसान है। मुझे पता कितनी मेहनत से खाना ना बनाती हूँ, और तुम लोग कितनी बार खाना बगाड़ देते हो। कभी भिंडा बनाती हूँ तो कभी खाते नहीं हो, कभी फूल गोभी बनाती हूँ कभी खाना भूल जाते हो, कभी बटाका बनाती हूँ, नॉइज पोल्यूशन करते रहते हो, नाक नाक सरा देते हो। वो शांति रखो, इतनी भी कहना जरूर नहीं है डैड, इतनी भी कहना जरूरी नहीं है, इतनी भी कहना जरूरी। अब मैं जाता हूँ अपना ऑफिस का काम करने। हाँ, मम्मी के भी कितने काम होते हैं। घर को संभालो, घर को सफाई करो, बांधने टोन सही टाइम पर रख लो, कितने काम होते हैं। मुझे इन लोगों को तो पता ही नहीं है। घर की सफाई करनी होती है, इनके लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ता है। शुक्र है आज तो तीनों तीनों के तीनों बटाके खा लेंगे, वरना तो स्टार के लिए मुझे भिंडे बनाने पड़ते हैं, और कैंडेस के लिए मुझे फूल गोभी बनानी पड़ती है, और पापा के लिए तो बटाके बनाने पड़ते हैं या दाल चावल बनाने पड़ते हैं। हाय हाय मेरी जिंदगी, माँ हूँ सबकी, करना ज पड़ेगा। चलो पहले खाना बना लेती हूँ, फिर घर की बाद में बर्तन उठा के साफ सफाई कर दूंगी घर की, फिर उसके बाद सो जाऊंगी, फिर से घर का काम करना पड़ेगा। सुबह उठ के फिर पापा के लिए खाना बनाना पड़ेगा, फिर स्टार के लिए बनाना पड़ेगा, फिर कैंडेस के लिए बनाना पड़ेगा। दोनों दोनों कितने लेट उठे हैं, एक डैड 10 बजे उठते हैं, और बेटी तो स्टार तो 12 बजे उठती है, और बोनस तो कैंडस कर जाती है रात को 8 बजे उठती है और खाना मांगती है। क्या करो, आज तो सब कुछ सही हुआ था। कैंडस भी 10 बजे उठ गई थी, स्टार भी 10 बजे उठ गई थी, डैड भी 10 बजे उठ गए थे, सारे सारे लोग 10 बजे उठ गए थे। सबके लिए खाना जल्दी से बना दिया, सबको खिला दिया, और स्टार स्कूल चली गई थी, स्टार स्कूल चली गई थी। कल तो छुट्टी थी, इसलिए स्टार तो जरा जल्दी उठ गई थी, पर कैंडस तो कुछ ज़्यादा सोई रही थी। संडे आता है तो माथा दुखने लग जाता है।
डेट टू